क्या आप भी गोल्ड लोन लेना चाहते हैं? अगर हाँ तो आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं किन हालातों में गोल्ड लोन लेने का डिसीजन सही होता है और इसके फायदे क्या हैं। कई बार इमरजेंसी में घर में रखा सोना आपके काम आता है। ऐसी तमाम संस्थाएं हैं जो आपको आपकी इस कीमती धातु के बदले में लोन उपलब्ध करवाती हैं। तो किन किन सिचुएशंस में आपको गोल्ड लोन लेना चाहिए? पहला, गंभीर बीमारी। अगर परिवार के किसी सदस्य को गंभीर बीमारी हो जाए तो बेतहाशा पैसा खर्च होता है। हालांकि समझदारी इसमें है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें और थोड़ा इमरजेंसी फंड अपने पास रखें। लेकिन जब इनसे भी काम ना चले तो आप आखिरी ऑप्शन के तौर पर घर में रखे गोल्ड के बदले कर्ज लेने का विकल्प चुन सकते हैं। सेकेंड सिचुएशन है शादी, क्योंकि शादी में अच्छा खासा खर्च हो जाता है, दूसरों से उधार लेने की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में आप घर में रखे सोने का इस्तेमाल करें। तीसरा है हायर एजुकेशन। अगर आपका बच्चा या आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं और एजुकेशन लोन किसी कारण से नहीं मिल पा रहा है तो सेकेंड ऑप्शन के तौर पर आप गोल्ड लोन का ऑप्शन चुन सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है एज कम्पेयर टू अदर लोन्स गोल्ड लोन लेने के कई फायदे हैं। दूसरे तमाम लोन की तुलना में गोल्ड लोन के लिए क्राइटेरिया काफ़ी आसान होता है। क्रेडिट स्कोर वगैरह इसमें बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि आपको लोन की राशि आपके गोल्ड के मूल्य के हिसाब से दी जाती है। इमरजेंसी के समय में आपको तुरंत पैसों की ज़रूरत होती है, ऐसे में गोल्ड लोन आपके लिए मददगार है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म नोटिस पर भी मिल जाता है। अनसिक्योर्ड लोन जैसे पर्सनल लोन, प्रॉपर्टी लोन, कॉर्पोरेट लोन की तुलना में गोल्ड लोन सस्ता पड़ता है। गोल्ड लोन की स्थिति में बोरोअर को लोन चुकाने के लिए फ्लेक्सिबल रिप्लेसमेंट ऑप्शन दिए जाते हैं। बस ध्यान रहे, गोल्ड लोन लेने के लिए आपकी उम्र 18 साल से 75 साल के बीच होनी चाहिए। कोलेट्रल के तौर पर रखे जाने वाले गोल्ड की शुद्धता 18 कैरेट या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और जाते जाते एक ज़रूरी बात, अगर आप तय समय में गोल्ड लोन नहीं चुका पाते हैं तो कर्ज देने वाली संस्था आपके गिरवी रखे सोने को बेचने का अधिकार रखती है। तो ये थे गोल्ड लोन से जुड़े इफ एंड बट्स और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए जी बिजनेस पर।